तो गाइस रोमा रेज ने वार्निंग दे डाली है ब्रो ड्रू मैकइंटायर को क्लच द क्लासर के लिए। रोमा रेज गुड मॉर्निंग ब्रिटेन के इंटरव्यू में आकर कहते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ बनने वाला हूँ, सॉरी बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी ग्लोबल ट्राइबल चीफ बनना है। भले वो किधर भी हो, या फिर यूके हो, सऊदी अरेबिया हो, या फिर कहीं पर भी हो, मैं सबको आऊँगा, सबको जीतूँगा, सबको हराऊँगा और अपना रास्ता क्लियर करूँगा। ड्रू मैकइंटायर बस एक ऑब्जेक्ट है अभी के लिए, मुझे बस उसे हराना है और क्लैश ऑफ द कैसल में फिर से जंप जेट में आकर जंप मार के फिर से एक बार यूएसए वापस आ जाना है। ऐसा कुछ रोमा रेंज का ओवर कॉन्फिडेंस है, फिर उनका एटीट्यूड ऐसे बन चुका है अभी के लिए, वो किसी को भी हरा सकते हैं, ऐसा कुछ रोमा रेंज अपने इंटरव्यू में आकर कहते हैं। काफ़ी अच्छा खासा रोमा रेंज ने वार्निंग दे डाली है ड्रू मैकइंटायर को, वही ड्रू मैकइंटायर भी वार्निंग देते हैं रोमा रेंज को। तो मैं ब्रॉक लेसनर को हराने के लिए चार पाँच बंदे लगे 10-20 मिनट का लगे, लेकिन मैं अकेले ही ब्रॉक लेसनर को हरा चुका हूँ, सिर्फ वन मैन आर्मी, वो भी 5 या 6 मिनट में। ऐसा कुछ ड्रू मैकइंटायर भी वार्निंग देते हैं अपने रोमा रेंज।